तो इसे याद आती है मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के गेट के पास और ये मेरा ड्रीम कॉलेज है, इसको मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। चलिए फिर आपको लेके चलते हैं गेट के अंदर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये है एडमिशन सेल जो कोने पर बाहर है यूनिवर्सिटी के। सो फाइनली दोस्तों गेट के अंदर करने वाला हूँ मैं एंट्री और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर गेटमैन बैठे हुए मिलेंगे, कभी आप एंट्री करेंगे तो ये आपको गेट पे मिलेंगे, कभी आप यूनिवर्सिटी विजिट करते हैं। हम फाइनली गेट के अंदर पहुँच चुके हैं और अंदर का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर साइड में आप देखेंगे तो इधर ये किताब है जिससे इस यूनिवर्सिटी का आगाज़ हुआ। जैसा सीन गेट का बाहर है कुछ अंदर से भी गेट ऐसा ही है दोनों तरफ से। और जस्ट इसके सामने की ओर इधर हम जाते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करा है हमारी। सो गाइस ये जो आप सामने की ओर देख रहे हैं ये है ए ब्लॉक जिसके अंदर मार्कशीट वगैरह बनती हैं, सभी क्लासेस की टीसी वगैरह आप यहां से ले सकते हैं, रिजल्ट वगैरह आप यहां से हाईलाइट करा सकते हैं और बोनाफाइड भी इसी बिल्डिंग में मिलता है सामने की ओर जो आप देख पा रहे हैं। ओ बड़ा चासी के पहला प्यार होता। सो भाई ये जो सामने की ओर आप देख पा रहे हैं ये है आजम खान साहब का ऑफिस जिसके अंदर आजम खान साहब बैठते हैं। ये वाला ऑफिस है आजम खान साहब का। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना। दोस्तों ये है मुलायम सिंह यादव फैकल्टी, इसमें बीए बीकॉम की क्लासेस लगती हैं और इसको अकाउंट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर ही स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा होता है। दोस्तों इस फैकल्टी के आगे का नज़ारा कुछ ऐसा है, गार्डन ऐसा है, आप आराम से यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं बैठ के, बहुत अच्छा है यहाँ पे। सो गाइस इसके अंदर लगती हैं साइंस की क्लासेस, फैकल्टी ऑफ साइंस की फैकल्टी है। तो दोस्तों ये जो देख पा रहे हैं आप ये है साइंस फैकल्टी, सर सैयद फैकल्टी ऑफ साइंस जिसके अंदर साइंस की क्लासेस लगती हैं। तो ऐसा सीन है ये देख सकते हैं आप यहाँ पे आगे, और ये सामने फैकल्टी है साइंस। सामने की ओर आने वाली है गाइस वो मुमताज़ लाइब्रेरी जिसके अंदर सभी स्टूडेंट अपनी बुक्स वगैरह इशू कराते हैं और यहाँ पे स्टडी करते हैं। हर डिपार्टमेंट की जो बुक्स हैं यहाँ से ही इशू होती हैं गाइस। और गाइस ये सामने की ओर जब देख पा रहे हैं ये है गर्ल्स हॉस्टल, इसमें गर्ल्स रहते हैं। तो गाइस ये आ चुकी है मुमताज़ लाइब्रेरीज जिसके अंदर बहुत सारी किताबें हैं और ये मुमताज़ लाइब्रेरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये हमारी क्लास के स्टूडेंट। दोस्तों लाइब्रेरी के अंदर का सीन कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सभी बच्चों की किताबें यहाँ से प्रोवाइड होती हैं हर डिपार्टमेंट की। ये मुमताज़ लाइब्रेरी है सामने की ओर जो आप देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये बॉयज़ हॉस्टल, सभी डिपार्टमेंट के इसमें जो है कहते हैं बॉयज़ रहते हैं। और ये रास्ता जा रहा है गर्ल्स हॉस्टल के लिए और ये है सामने बॉयज़ हॉस्टल गाइस। दोस्तों ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ये है ऑडिटोरियम जिसके अंदर सभी कॉलेज के जितने होते हैं कि प्रोग्राम वगैरह वो इसके अंदर ही होते हैं। जैसे जो अडे हो गया आपका, रिपब्लिक डे वगैरह हो गया यहाँ पे, और इसमें सभी प्रोग्राम होते हैं। इसके अंदर एसी वगैरह हैं, सभी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, कुर्सी हैं इसके अंदर बहुत वीआईपी। ऑडिटोरियम जिसके अंदर सभी प्रोग्राम वगैरह कॉलेज के होते हैं, फार्मासिस्ट डे, जोहर डे, जितने भी डे वगैरह होते हैं सभी इसी के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। ये बहुत आलीशान है अंदर से देखें। सो गाइस ये जो आप देख पा रहे हैं ये है मोमबत्ती
कोहलिस की बहुत फेमस मोमबत्ती है यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये बिल्कुल जस्ट आपको हॉस्टल के सामने की ओर मिलेगी। गाइस ये जो आप सामने की ओर देख पा रहे हैं ये है MBBS हॉस्टल, यहाँ पे अभी काम चल रहा है सामने की ओर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ के जो स्टूडेंट MBBS के कभी MBBS करने आएंगे तो वो यहीं सामने ठहरेंगे, अभी यहाँ पे सफाई चल रही है और काम चल रहा है। और गाइस अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक अमेजिंग चीज़ सामने की ओर जा कर के, जैसे ये सामने कुछ पुराने मॉडल्स की कार वगैरह यहाँ पे रखी हुई हैं जो इंजीनियर स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी हैं। यहाँ पे कैंटीन जो अभी खुली नहीं है, हम जल्दी आए हैं यूनिवर्सिटी, ये खुल जाती है 10 बजे के बाद। गाइस मस्जिद जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद है और ये सामने की ओर आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा कमरे हैं। हाँ बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने, ये कोई मामूली टंकी नहीं है, इसके अंदर काफ़ी कमरे हैं और ऊपर जाने के लिए इसमें लिफ्ट भी लगी हुई है। ये है MBBS फैकल्टी जो आप सामने की ओर देख पा रहे हैं, अच्छी तरह से इसका दीदार करें। ये बिल्कुल सेम टू सेम आप देखेंगे ना, ये दिल्ली जो दिल्ली में सांसद है ना, सेम उसकी तरह नक्शा दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है चलता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको तोफ को, यहाँ पे तोफ है, ये है गाइस तोफ जो आजम खान साहब को मिलिट्री ने गिफ्ट किया था यहाँ पे। और मैं आपको इसके बारे में दिखा देता हूँ ये कब आया था, ये मोहम्मद जौहरी यूनिवर्सिटी में टैंक आप पढ़ सकते हैं, ये 2018 में आया था 24 जनवरी। तोड़ लूं कहीं खुद से जोड़ लूं मेरे जिस्म जा मेरा तेरी खुशबू जो भी सांसें मैं भरूं। सो गाइस अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें एशिया का सबसे बड़ा तिरंगे का स्टैंड, इतना बड़ा गाइस किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर फ्लैग स्टैंड नहीं होगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है। दोस्तों इतना बड़ा खंबा देखकर, इतना बड़ा तिरंगा स्टैंड देखकर आपके मन में आ रहा होगा क्या यार इस पर तिरंगा कैसे फहराते होंगे, तो मैं आपको बता दूं इसके सबसे नीचे जो है एक मोटर फिट है जिसके द्वारा तिरंगे को फहरा दिया जाता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा तिरंगा स्टैंड नहीं देखा होगा आपने, यहाँ पर मोटर फिट है जिसके द्वारा ऊपर को तिरंगा पहुँचाया जाता है, यहाँ पर है। तो दोस्तों ये है सामने की ओर झील जो जिसमें अभी घास खड़ी है, मैं इस पर चल के दिखा देता हूँ आपको। ये गाइस झील है और इसमें अभी घास खड़ी है, इसकी सफाई होने वाली है, इसमें पानी चलता था और इसमें एक मतलब बोट वगैरह यहाँ पर चलती है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रुक गई है तो इसका बोट निकाल के यहाँ पर खड़ी कर दी, अभी सफाई हुई तो दोबारा उसको चालू करा लेंगे। यहाँ पर बोट को बाहर खड़ा करने की और यहाँ पर फुहारे का निर्माण चल रहा है, अभी यहाँ पर फुहारा बनेगा बीच में। सबकी नजर यहाँ है हर चीज राज है सब है। हॉस्पिटल है ये जो अभी चालू होने वाले ही है, तो देख रहे हैं इसका भी निर्माण चल रहा है, यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट का कॉलेज है। अब चाहे जिंदगी ऐसी जी। सो गाइस जी जो सामने की ओर है ये है LED जिसके ऊपर मतलब सभी क्लासेस के वगैरह नाम चिन्हित होते हैं, आते रहते हैं यहाँ पे। तो ये इंजीनियरिंग फैकल्टी है, इसका मैं सामने से आपको रिव्यू अभी दिखाने वाला हूँ इंजीनियर फैकल्टीज़। और ये सामने आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, ये है गाइस जोहर इंजीनियरिंग कॉलेज, आप देख पा रहे हैं सामने की ओर, यहाँ पर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पढ़ते हैं बीटेक वगैरह के। ये हैं जो डॉक्टर वगैरह यहाँ पर काम करेंगे, तो आप देख रहे हैं सामने है मदर टेरेसा और फार्मेसी फैकल्टीज़, ये है मदर टेरेसा इंस्टीट्यूट और फार्मेसी फैकल्टीज़, ये मदर टेरेसा इंस्टीट्यूट है गाइस। और सामने की ओर जो है ये है स्टाफ क्लब, ये गाइस स्टाफ क्लब। तो गाइस ये है क्रिकेट मैदान, क्रिकेट मैदान की पिच यहाँ पर अभी कार्य चल रहा है, पिच दोबारा तैयार हुई है, जो स्टेट लेवल के हैं मैच वगैरह होते रहते हैं यहाँ पे।
जो आप देख पा रहे हैं ये है जिम क्लब। इसके अंदर जिम है गाइस। स्टाफ क्लब के पास हम आ चुके हैं। यह है स्टाफ क्लब और सभी बच्चे भी यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं। फार्मेसी फैकल्टी है ये, फार्मेसी फैकल्टी आ गई। सो गाइस इधर की ओर हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको जो यहाँ पे स्टेज टीचिंग करते हैं टीचर, उनको कैसे रूम वगैरह दिए गए हैं। और ये सामने की ओर है टीचर रूम, यहाँ पर टीचर वगैरह रहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। और जो लो फैकल्टी है उधर भी टीचर लोगों के लिए रूम वगैरह दिए गए हैं यहाँ पे। और ये है, आप देख सकते हैं बिल्डिंग कितनी अच्छी अच्छी है यहाँ पे आलीशान। यहाँ पर टीचरों के रहने की पूरी व्यवस्था है, तो ये देख सकते हैं यहाँ बिल्डिंग। देन गाइस ये सामने की ओर आप देख पा रहे हैं, सामने की ओर आता है म्यूजियम, के अंदर काफ़ी यादगार चीज़ें रखी हुई। मुझे लगता है इसका लोग लगा हुआ है बाहर से, और इसके अंदर आप देखेंगे म्यूजियम के अंदर तो काफ़ी रोमांचक जनक और अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं जो आपने कभी देखी ना हो। तो मैं जैसे कि आपको बताया था कि ताला लग रहा होगा, तभी यहाँ पर लोग लगा हुआ है जिसके कारण हम अंदर नहीं जा सकते हैं। तो मैं इसके अंदर से सिनेमैटिक व्यू ये देख सकते हैं गाइस। यहाँ पर लिखा हुआ है आजम खान म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी। यहाँ पर बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं वहाँ पर तोप रखी हुई है, बिजली जा रही है यहाँ पर जो। इस पबजी वाली कार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चलते हैं गाइस आपको वहां लेकर के जहां पे अतिथि गृह है। सो गाइस ये है फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज सामने की ओर आप देख। जस्ट इसके सामने ये है तराजू, यहाँ पर फोटो क्लिक करने का बहुत ही आनंद आता। सो गाइस ये है मस्जिद। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट इधर आ जाती है लो फैकल्टीज़। ये सामने की ओर है लो फैकल्टी गाइस, इसके अंदर जो वकील बनते हैं स्टूडेंट वो यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनकी क्लासेज यहाँ पे लगती हैं। सो गाइस ये ऐसा व्यू है यहाँ पे फैकल्टी का, और देखने में ये सबसे लास्ट में आकर के सबसे मस्त लगता है। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा सीन है मस्जिद के जस्ट बराबर में। बस ये है गाइज आप देख सकते हैं स्टेडियम है। सो फाइनली गाइज मैं आ चुका हूँ मोहम्मद जोहर अली के हेलीपैड पर, जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतर रहा है। तो ये है इधर इस मस्जिद के सामने जो हेलीपैड बना हुआ है, ये हेलीकॉप्टर उतरता है यहाँ पे, और इसके सामने आ जाता है एक ये फैकल्टी वगैरह इसके आसपास बनी हुई है, ला फैकल्टीज है यहाँ पे रेड कलर की। तो यहीं पे ये हेलीपैड बना हुआ है जिसको मैं आपको बैक कैमरे से दिखाना चाहूँगा। तो गाइस ये जो आप देख पा रहे हैं इस वाले मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं इस वाले एसपी आकर के हेलीकॉप्टर उतर जाता है। हमने ये और आप देख पा रहे हैं ये है मोहम्मद जोहर अली यूनिवर्सिटी की बैंक, जिसके अंदर होती है फीस जमा हर डिपार्टमेंट। गाइस अभी सुबह के 8:30 बजे हैं, इसलिए अभी